Hello friends, I'm Rakesh and you're watching Learn English Through Practice. Today my subject is possession. How free is the press? इसका हम क्वेश्चन आंसर आपको बताने जा रहे हैं. सबसे बड़ी समस्या जो हमारे स्टूडेंट के साथ हुआ है कि क्वेश्चन आंसर याद होता ही नहीं है. चाहे मैं अपने क्लास की बात कर लूँ, चाहे किसी की भी बात कर लूँ, सभी स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड से आते हैं उनको एक ही समस्या है, इंग्लिश समझ में नहीं आती. मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा बुक है जो कि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं. अगर नहीं किया है तो आप हमारा दे रहा हूँ, इस लिंक पे देखिएगा, आपको बुक के बारे में सारी जानकारी है और ये बुक कितना अच्छा है आपको खुद ही जानकारी मिल जाएगी जब आप इसे खुद को देखेंगे. पीडीएफ वगैरह वहाँ पे दिया हुआ, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. तो चलिए मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर याद होते हैं, ठीक है, लिटरली होता क्या चीज़. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ ये है कि इस बुक में जो हमारी रेनबो स्नैपशॉट है उसमें छोटे छोटे सेंटेंस से बड़े सेंटेंस का निर्माण किया गया है और छोटे सेंटेंस का भी हिंदी दिया हुआ है जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो सके. आगे देखते हैं ये कैसे हो रहा है. पहले देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट विदाउट अ फ्री प्रेस, है ना. इसका मतलब वो की बिना मुक्त प्रेस के. देखिए थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, आपको थोड़ा परेशानी होगी याद करने में, लेकिन मैं बताता हूँ बिल्कुल परेशानी नहीं. हम आपको इसमें एक वर्ड को आपको याद करने के लिए कहते हैं, सिर्फ एक वर्ड याद करना. आई होप कि वो तो कर ही सकते आप. अगर मैं आपको कहूँ कि क्वेश्चन आंसर याद करना नहीं है, मैंने क्या बोला, आपको क्वेश्चन आंसर याद करना नहीं है बल्कि सिर्फ एक शब्द याद करना है, क्वेश्चन आंसर याद करना नहीं, ठीक है. तो चलिए एक शब्द तो याद कर ही सकते, क्वेश्चन आंसर नहीं करना. आई होप कि आपको मज़ेदार लगने वाला है ये हमारा बुक का जो क्वेश्चन आंसर है. देखिए आपको इसमें एक शब्द है विदाउट, आपको हिंदी पता होगा, विदाउट का मतलब होता है के बिना. क्या होता है? के बिना. अगर हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं के बिना, तो निश्चित है कि आपके दिमाग में एक चीज का स्ट्राइक होता है, एक चीज आपको सबसे पहले चोट करता है, वो ये चीज है कि के बिना. तो के बिना मतलब कुछ तो होगा ना जिसके बिना ये बोला जा रहा है. मेरे पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, विदाउट आपको शब्द याद करना, उसके बाद कुछ भी याद नहीं करना, उसके बाद सारा लिंक पे काम होगा. देखिए विदाउट का मतलब के बिना, तक के बिना, तक किस चीज के बिना, प्रश्न ये है. अगर के बिना कहीं पे लिखा हुआ है जैसे विदाउट पेन, तो पेन के बिना, विदाउट हार्ड वर्क, बिना हार्ड वर्क के, विदाउट बुक, बिना किताब के, तो निश्चित है कि अगर विदाउट लिखा हुआ है तो उसके आगे जरूर कुछ होगा. तो आप देख लीजिए खुद ही क्या लिखा हुआ है, विदाउट फ्री प्रेस. अब इसका हिंदी क्या हुआ, बिना मुक्त प्रेस के. आपका हिंदी हुआ यहां तक, देखिए विदाउट फ्री प्रेस, विदाउट लिखा हुआ तो किसी चीज के बिना. आपको एक शब्द का बहुत अच्छी तरह से मीनिंग और हिंदी भी आना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ वहां से आपको याद होगी. तो विदाउट ए फ्री प्रेस, बिना प्रेस का, दैट का मतलब की. आप देखिए पूरा याद हुआ, दैट विदाउट ए फ्री प्रेस, दैट विदाउट ए फ्री प्रेस याद हुआ होगा आपको. आप आगे चलते हैं. आपने देयर का नाम जरूर सुना होगा, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी देयर का. तो देखिए देयर कैन बी नो फ्री पीपल, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए आपको याद करना है There can be, आपको कुछ नहीं याद करना, तीन वर्ड है जो यहाँ पे याद करना पड़ेगा आपको. There can be, हो सकता है, There can be, हो सकता है, There may be, हो सकता है, There will be, होगा, There is, है, There was, था, लेकिन वहां पर There was नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, There can be, इसका हिंदी क्या हुआ, हो सकता है. अगर हो सकता है तो निश्चित कोई भी ऐसा चीज होगा जिसका नाम वो आगे में लिखा होगा. दोबारा सुन लीजिए मेरी बात को, देयर कैन बी का मतलब होता है हो सकता है. तो हो सकता है तो कुछ तो हो सकता है जो राइटर लिखा होगा यहाँ पे, वो क्या लिखे हैं आगे देखिए, नो फ्री पीपल, कोई आजाद व्यक्ति नहीं हो सकता. तो पूरा को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देयर कैन बी, हो सकता है, क्या हो सकता है, नो फ्री पीपल, नो फ्री टिकट, नो फ्री मोबाइल, नो फ्री बुक, नो फ्री लैपटॉप, नो फ्री टाइम. हो सकता है, जब बोलते हैं हो सकता है कि कोई फ्री टाइम ना हो, देयर कैन बी नो फ्री टाइम, देयर कैन बी नो फ्री पीपल, देयर कैन बी नो फ्री न्यूज़पेपर, देयर कैन बी नो फ्री टाइम टू रीड, टू प्ले, टू ईट. आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको. पहला ये याद हुआ, दूसरा यहाँ याद हुआ आपको. आगे देखते हैं नहीं हो सकते, इज अ थिंग, एक वस्तु है. देखिए इज मैंने है, ए मैंने एक. अगर मैं सिर्फ यहाँ पर इज याद करूं और कुछ याद ही नहीं करना मुझे, यहाँ पर आपको क्या याद करना पड़ा, देयर कैन बी, यहाँ पर क्या याद करना पड़ा, विदाउट, है ना, देयर कैन बी, यहाँ पर विदाउट, ये छोटी छोटी जो सेंटेंस मतलब वर्ड है
उसको अगर आप याद करेंगे पूरा सेंटेंस याद हो जाएगा, ठीक है? जैसे मैं बता रहा हूँ फॉलो कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपने इस पर लाइक किया, तो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर ऐसे बना के दे दूंगा, पूरा याद करवा के दे दूंगा मैं आपको, अगर आपको अच्छा लगा तो, और अगर आप इसे शेयर करते हैं तो, ठीक है? अगर आप नहीं ऐसा करते हैं तो मैं डीमोटिवेटेड हूंगा, रिजल्टली मैं नहीं बना पाऊंगा, ये मेरी मजबूरी है। तो आगे लिखते हैं, इज अ थिंग, इज मैंने क्या आपको यही याद करना है, इज मैंने है, अगर है तो कुछ तो होगा, रात होगा, दिन होगा, सुबह होगा, शाम होगा, लेकिन यहां पर क्या है, इज अ थिंग एक वस्तु है, इज अ मोबाइल एक मोबाइल है, इज अ टीचर एक टीचर है, तो यहां पर तो वो कुछ नहीं बोल रहा है, यहां पर बोला इज अ थिंग एक वस्तु है, जो दैट का मतलब जो है ना, यहां पर जो होगा, तो एक वस्तु है जो, अब यहां पर आपको ये करना है टेक को याद करना है, क्या याद करना है, टेक, यहां इज यहां पे टेक, अब देखिए टेक मने लेना तो कोई तो लेगा, अगर टेक मने लेना है तो कोई तो लेगा, आई टेक, यू टेक, राम टेक, तो यहां पर कौन टेक करा, ऑल फ्री पीपल, सारे आजाद लोग, ऑल स्लेव पीपल, पूरे गुलाम लोग, ऑल फ्री चिल्ड्रन, सारे आजाद बच्चे, ऑल फ्री गर्ल्स, सारी आजाद लड़कियां, तो लेगा कौन लेगा, ऑल फ्री पीपल लेंगे, याद करना आसान हुआ, लेगा हमने क्या याद करवाया, यहाँ पर टेक करना है, यहाँ पर इच करना है, यहाँ पर कैन भी करना है, यहाँ पर विदाउट करना, राइट? तो आप नहीं होता इसे अलग से लिख लीजिएगा, विदाउट कैन बी इज टेक। अब देखिए इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से आप खुद ही लगा के देखिएगा, आपका आंसर बन जाएगा, मैंने किया है और मेरे स्टूडेंट भी काफी प्रभावित इससे, आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो देखिए टेक, तो आप उनसे इसी प्रश्न को कीजिए कि टेक मैंने लेना होता तो कौन ले रहा, तो यहाँ पर आएगा ऑल थ्री पीपल, कौन ले रहा, ऑल थ्री पीपल टेक, है ना? तो टेक आ गया, तो इसका पूरा हिंदी करेंगे, ऑल थ्री पीपल टेक, किस ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड मैंने इसको एकदम मान लेते हैं कि बिल्कुल ये होने वाला चीज है ना, इसको मान बैठना, फॉर टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है उसको सच्चा मान लेना। तो देखिए ये आंसर आपको याद हो रहा होगा, राइट? आई होप कि आप समझ पा रहे हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आर देयर रिस्ट्रिक्शन, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन में बाधा होता, लिमिटेशन होता, रोक होता है, कि आर देयर एनी, आर देयर रिस्ट्रिक्शन, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है, आर देयर रिस्ट्रिक्शन, क्या रिस्ट्रिक्शन है, आर देयर प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, आर देयर स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स है, आर देयर टीचर्स, क्या टीचर्स हैं, आर देयर बुक्स, क्या किताबें हैं, कहाँ, किस चीज के ऊपर, ऑन द प्रेस, किस चीज के ऊपर, ऑन द प्रेस, पूरा हिंदी क्या हुआ, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है, क्या कोई बाधा है, किसके ऊपर, प्रेस के ऊपर में, किस समय, इन द टाइम ऑफ वॉर, युद्ध के समय, इन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन नहीं, मैंने क्या बोला, इन द टाइम ऑफ वॉर, युद्ध के समय में, इन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन नहीं, इन द टाइम ऑफ वॉर। तो यहाँ आंसर में आया यस, हाँ, है ना, देखिए हाँ, सरकार द्वारा युद्ध के समय प्रेस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन आर प्लेस्ड, है ना, आपको क्या याद करना, बस थोड़ा सा इसमें दो तीन सेंटेंस शब्द याद करना, रिस्ट्रिक्शन आर प्लेस, है ना, रिस्ट्रिक्शन आर प्लेस को आपको याद करना होगा, इसका हिंदी हम बताते हैं, रिस्ट्रिक्शन को लगाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन आर प्लेस, आप इसको चाहे तो थोड़ा सा स्पोकन भी का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना, आप याद करेंगे तो आपको बोलने का भी जो मैनर होता है इंग्लिश में वो आपको आ जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, रिस्ट्रिक्शन आर प्लेस मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, है ना, प्रतिबंध लगाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन आर प्लेस की जगह हम लगा सकते हैं लिमिटेशन आर प्लेस, है ना, कानून, लॉ आर प्लेस्ड, कानून लगाए जाते हैं, फाइन जो लगता है ना 10 रुपए 20 रुपए का फाइन, फाइन आर प्लेस, फाइन लगाए जाते हैं, है ना, रिस्ट्रिक्शन आर प्लेस, रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। तो आपको बस इतना ही याद करना, बाकी का काम मैं बता रहा हूं कैसे होगा, आपको क्या याद करना है, रिस्ट्रिक्शन आर प्लेस, इसका हिंदी भी जानना है कि रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं, अगर वो प्रतिबंध लगाया जाएगा तो किसी के ऊपर तो लगाया जाएगा, तो किसी के ऊपर का होता अपॉन, किसी के ऊपर अपॉन प्रेस, प्रेस के ऊपर अपॉन प्रेस, प्रेस के ऊपर अपॉन राम, राम के ऊपर, तो पूरा क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है प्रेस के ऊपर नहीं, राम के ऊपर, मैं चेंज कर रहा हूं सेंटेंस को ताकि आपको याद हो, यस रिस्ट्रिक्शन आर प्लेस अपॉन द प्रेस, ये बात सही है कि रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, यहां तक तो आपको याद करना ही पड़ेगा, पूरा सेंटेंस नहीं करना। अब आगे अगर आप भूल जाते हैं तो पूछेंगे कि रिस्ट्रिक्शन तो लगाए जाते हैं, तो आप अपने से प्रश्न कीजिए किसके ऊपर, तो आपका मन बोलेगा अपॉन प्रेस, प्रेस के ऊपर अपॉन राम, राम के ऊपर अपॉन सीता, सीता के ऊपर अपॉन स्कूल, स्कूल के ऊपर अपॉन बिहार, बिहार के ऊपर। तो रिस्ट्रिक्शन आर प्लेस अपॉन किसके ऊपर, प्रेस के ऊपर, किस समय में, इन द टाइम ऑफ वॉर, इन द टाइम ऑफ वॉर, इन द टाइम ऑफ वॉर,
यानी वार के समय में, इन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के समय में, ठीक है, किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट बॉडी, किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट बॉडी, किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट बॉडी, मतलब सरकार के बॉडी के द्वारा। आई होप कितना समझ में आ रहा हो। देखिए, एट सच टाइम, ऐसे समय में, एट सच टाइम, ऐसे समय में, आप इसको अपने सेंटेंस में लगा सकते हैं, बोल सकते हैं, एट सच टाइम, ऐसे समय में, आई हैव नो टाइम, ऐसे समय में मेरे पास समय में नहीं, कि मेरा दोस्त का शादी हो रहा है, मेरे पास समय नहीं, एट सच टाइम आई हैव नो मनी, बताओ सब चीज फ्री में बिक रहा है, मतलब इतने सस्ते में बिक रहा है, और एट सच टाइम आई हैव नो मनी, ऐसे समय में मेरे पास पैसे नहीं, तो एट सच टाइम आपको याद होगी। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, ऑल लिबर्टीज, ऑल लिबर्टीज, ऑल मैंने सभी लिबर्टीज का मतलब आजादी होता है, लिबर्टी चप्पल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑल लिबर्टीज, सारी आजादी क्या होना होता है, हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड। देखिए इसको एक लाइन में याद कीजिएगा, ऑल दी लिबर्टीज, सारी आजादी, ऑल दी लिबर्टीज, सारी आजादी, ऑल दी लिबर्टीज, सारी आजादी, हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट में समझते हैं प्रतिबंधित कर दिया जाता है, राइट। अब यहाँ पर लिखें, ऑल द बॉयज हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, सभी बच्चों को प्रतिबंध कर दिया, लेकिन नहीं जाएगा। अब यहाँ पर चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम प्लेइंग, खेलने से, फ्रॉम रीडिंग, पढ़ने से, फ्रॉम ईटिंग, खाने से, फ्रॉम टीचिंग, पढ़ाने से। अब पूरा लिखते हैं, ऑल द टीचर्स, क्या हुआ हिंदी, पूरे शिक्षकों को हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, बाध्य मैंने प्रतिबंधित कर दिया था, किस चीज से, फ्रॉम टीचिंग, फ्रॉम टीचिंग, फ्रॉम टीचिंग, पढ़ाने से। आई होप समझ पा रहे हैं। तो क्या किया जाता है, ऑल द लिबर्टीज, सारे के सारे आजादी, हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता, बंद कर दिया जाता। हाँ, एक फ्री स्वतंत्र लोग को अवश्य समझना चाहिए, अ फ्री मैन, अ फ्री पीपल, अ फ्री बॉय, अ फ्री गर्ल, अ फ्री टीचर, ठीक है। एक फ्री आदमी को क्या करना चाहिए, मस्ट सी टू इट, इसको अवश्य समझना चाहिए, मस्ट सी टू इट, हम आपको कह सकते हैं, आपके बारे में बोल रहे हैं, अ फ्री स्टूडेंट, एक स्वतंत्र स्टूडेंट को मस्ट सी टू इट दैट अ स्टडी इज इम्पोर्टेंट, ये बात समझ लेना चाहिए कि स्टडी क्या है, इज इम्पोर्टेंट। दोबारा समझिएगा, ए फ्री पीपल मस्ट सी टू इट, है ना, दैट, अब आगे चलते हैं, दैट की, दैट की, दैट की, व्हेन पीस कम्स, जब शांति आती है, व्हेन पीस कम्स, जब शांति आती है, व्हेन राम कम्स, जब राम आता है, व्हेन मोहन कम्स, जब मोहन आता है, लेकिन यहाँ पर मोहन सोहन नहीं है, यहाँ पर कौन सी है, When peace comes, जब आजादी आती है, शांति आती है, कैसी आती है, full freedom, full freedom, है ना, जब अमन यानी शांति जो है वो बहाल हो जाती है, यानी आ जाती है पूरी तरह से, when the peace comes, full freedom is restored, when peace comes, full freedom is restored, है ना, उसको रिस्टोर कर दिया जाता है, तो मैंने बहाल कर दिया जाता है, कि जब अमन आती है, सारी आजादी बहाल हो जाती है, when peace comes, है ना, when peace comes, full freedom is restored। देखिए कहा जाता, that मैंने कि समझना चाहिए कि लोगों को, when peace comes, जब आजादी आती है, when peace comes, when train comes, नहीं मैं ट्रेन आती है नहीं बोल रहा, when मैंने यहाँ पर जब होगा, when peace comes, जब आजादी आती है, when train comes, जब ट्रेन आती है, when examination comes, जब examination आती है, when peace comes, जब आजादी आती है, शांति आती है, फुल फ्रीडम, पूरी आजादी क्या होता है, इज रिस्टोर्ड, उसको बहाल हो जाती है, इज रिस्टोर्ड इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड भी लगा सकते हैं। तो आई होप को दो क्वेश्चन आपको अच्छा मदद करेगा, हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जैसा कि ये बुक देख रहे हैं, इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हिंदी इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। इस बुक को ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं लिंक दे रहा हूँ, उसे आप ज़रूर देखें, और अगर आपको बुक परचेज करनी हो तो फिर दिए गए नंबर पे आप ट्राई करें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर लर्निंग। अगली वीडियो के लिए मैं आपका फीडबैक के लिए मैं इंतजार करूँगा। थैंक यू वेरी मच।